माननीय एक्सपर्ट टीचर्स, शिवाजी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पेपर सेट करने की प्रक्रिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो की मदद से क्वेश्चन पेपर कैसे एंटर करना है वो प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी साइट से आपको ऐसा एक ईमेल मिलेगा जिसमें आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, जिस लेटर में आप अपना कोर्स नेम और सब्जेक्ट कोड, जो कि सब्जेक्ट आपको असाइन किया हुआ है, वो यहाँ से कंफर्म करेंगे, जहाँ पे आपको कोर्स नेम और सब्जेक्ट कोड दिया जाएगा। उसके अलावा ये मेल में आपको अपना यूज़र आईडी, जैसे कि ये यूज़र नेम है जो कि आपका मेल आईडी ही रहेगा, और पासवर्ड दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अपने लॉगिन में एंटर कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस एंटर करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है इंटरनेट कनेक्शन और आपकी डिवाइस में क्रोम ब्राउज़र। ये दो चीज़ों की हाजिरी से आप अपने क्वेश्चन पेपर सेट कर पाएंगे। तो मेल में दी गई हुई लिंक के द्वारा हम अपने लॉगिन पेज में एंटर करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा मुझे अपना लॉगिन पेज मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमें हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है जो कि हमें यहाँ पे दिया होगा, तो ये मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके डाल सकता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे हमें हमारी बैंक डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स के लिए हमें अकाउंट होल्डर नेम, फिर अकाउंट नंबर डालना है, फिर IFSC कोड जो कि 11 डिजिट का स्टैंडर्ड कोड रहता है वो डालना है, फिर ब्रांच नेम डालना है, और जो भी पासबुक रहेगी, पासबुक का जो फ्रंट पेज रहेगा वो फ्रंट पेज की इमेज हमें साथ में रखनी है जो कि हमें यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। तो यहाँ पे हम वो इमेज अपलोड करेंगे। फिर जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये डिटेल सिस्टम में स्टोर हो जाएगी, जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी के पास आपकी बैंक डिटेल रहेगी जिससे वो आपको पेमेंट रिलीज करेंगे। अभी यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में जितने भी सब्जेक्ट अलोकेट हुए हैं वो नंबर आपको दिखाई देंगे, टोटल अलोकेशन, जैसे कि मुझे दो सब्जेक्ट अलोकेटेड है। फिर टोटल सेट अपलोडेड, जितने भी मैं सेट अपलोड करूँगा वो नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर वो सेट अपलोड करके मुझे कन्फर्म करने हैं तो वो जो भी मैं कन्फर्म करूँगा वो नंबर मुझे यहाँ पे मिलेंगे। फिर टोटल अपलोड पेंडिंग, जैसे कि दो सेट मुझे मिले हैं और मेरे दोनों सेट अपलोड करने बाकी है, तो यहाँ पे पेंडिंग अपलोड यहाँ पे मुझे नंबर मिलेगा। और टोटल सेट कन्फर्म पेंडिंग, तो जितने भी कन्फर्मेशन पेंडिंग है वो नंबर मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपको फैसिलिटी यहाँ पे लेफ्ट पैनल में ये चार फैसिलिटी हम देते हैं, वहाँ पे असाइंड सब्जेक्ट्स, तो आपको जितने भी सब्जेक्ट असाइन हुए होंगे वो आप यहाँ से कन्फर्म करेंगे। जैसे कि अभी इस लॉगिन में BTEC इलेक्ट्रिकल जो कि मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोर्स और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड, तो BTEC इलेक्ट्रिकल जो कि हमारा कोर्स है और ये जो कोड है वो सब्जेक्ट कोड है, तो यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट कन्फर्म करेंगे कि आपको ये सब्जेक्ट अलोकेट किया हुआ है। उसके बाद है टीचर क्वेश्चन, तो यहाँ से हम टीचर जो है वो यहाँ से अपने क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे दिया है ऐड न्यू क्वेश्चन, तो ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे हमें ये फैसिलिटी मिल जाएगी जहाँ पे हम अपना क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपना क्वेश्चन एंटर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एंटर करने के लिए हमें तीन टाइप की फैसिलिटी मिलती है। एक फैसिलिटी मैं पहले बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना एग्ज़ाम ग्रुप सिलेक्ट करूँगा। एग्ज़ाम ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद मुझे सेट सिलेक्ट करना है, जो कि मिनिमम 3 सेट हम टीचर को देते हैं अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे मैं सेट सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद
सेक्शन जो है वो डिफॉल्ट रहेगा, पर क्वेश्चन मार्क 2 मार्क्स डिफॉल्ट रहेंगे, उसमें कुछ करना नहीं है। आंसर टाइप भी डिफॉल्ट रहेगा, उसमें भी कुछ प्रक्रिया नहीं करनी है। उसके बाद हमें सिर्फ अगर मुझे सिंगल क्वेश्चन टाइप करके डालना है तो यहाँ पे क्वेश्चन बॉक्स में मैं अपना क्वेश्चन टाइप करके डाल सकता हूँ। लाइक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया। फिर यहाँ पे जो भी हमारे ऑप्शन रहेंगे वो हम टाइप करेंगे, ए बी सी या डी। तो यहाँ पे ये हम टाइप करेंगे। तो ये हमने ऑप्शन टाइप कर दिए। अभी जो भी इस क्वेश्चन का आंसर है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये मेरा जो सिंगल क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने उसको एंटर कर दिया। अभी हमें अगर दूसरा सिंगल क्वेश्चन डालना है तो यहाँ पे मुझे सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर क्वेश्चन सेव्ड इन सेट नंबर 1 एंड टोटल एडेड क्वेश्चंस आर 1। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन अपलोड हो गया है। उसके बाद अगर मुझे दूसरा करना है तो मैं यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन दूसरा एंटर करूँगा, तो यहाँ पे उस हिसाब से हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अदर देन दैट मैं जैसे ही यहाँ पे बैक करूँगा तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जो कि मैंने टाइप किया अंदर क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी सब्जेक्ट नेम है, फिर सेट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो आईडी सिस्टम में है वो आईडी मिलेगा, देन क्वेश्चन लिस्ट, फिर आंसर क्या है। तो ये लिस्ट से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अभी दूसरे जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए सेम हमें ऐड न्यू क्वेश्चन में जाना है। तो मान लीजिए कि मुझे सिंगल क्वेश्चन एंटर नहीं करना है, मुझे एक्सेल अपलोड करनी है। तो एक्सेल अपलोड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन ऐड करने हैं और वो एक्सेल यहाँ पे अपलोड करनी है। तो पहले मैं आपको वो फॉर्मेट दिखाऊंगा। तो ये हमारा एक्सेल फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम बल्क में अपने जो क्वेश्चंस है वो ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन टाइप करना है क्वेश्चन में, उसके बाद अगर कुछ नोट इसको ब्लैंक रखना है, ये मैंडेटरी नहीं है तो इसको हम ब्लैंक रखेंगे। फिर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में जो रहेगा वो ऑप्शन ए में एंटर करना है, उसी तरह ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और आंसर। तो आंसर की कॉलम में हमें आंसर एंटर करना है, देन सेक्शन की कॉलम ब्लैंक रहेगी और पर क्वेश्चन मार्क्स 2 रहेंगे। तो ये फॉर्मेट आपको मिलेगा। अगेन आपको अपने मेल में जाना है, जो कि मेल आपको यूनिवर्सिटी की साइट से मिला है, वहां पे यहाँ मेंशन किया हुआ है क्लियरली कि द लिंक फॉर क्वेश्चन एक्सेल फॉर्मेट जिप एंड आंसर लिंक। तो यहाँ पे ये लिंक में जाके आपको अपना फॉर्मेट मिल जाएगा। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन जब एंटर कर लेंगे उसके बाद हमें वापस अपने पोर्टल में जाना है और वही फाइल यहाँ पे हमें दिया है एक्सेल फाइल अपलोड हियर फॉर बल्क अपलोड। तो यहाँ पे मैं अभी एक्सेल अपलोड करने के लिए यहाँ पे हमें ग्रुप सिलेक्ट करना है अगेन, फिर मैं सेट सिलेक्ट करूँगा, सेट नंबर 2 फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर यहाँ पे जो फील्ड है उसमें मुझे कुछ प्रक्रिया नहीं करनी है, मुझे सिर्फ हमारी फाइल जो है वो अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है एक्सेल फाइल अपलोड हियर बल्क फॉर बल्क अपलोड। तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो भी मेरी फाइल है उसको सिलेक्ट कर लूँगा और फिर उसे अपलोड करने के लिए सेव एंड क्लोज पे क्लिक करूँगा। तो जो भी मेरी फाइल है उसमें जो भी क्वेश्चंस है वो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, तो उसको आप यहाँ से लिस्ट में वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरी फाइल में
25 क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पे अपलोड हो गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं सेट वाइज। यहाँ पे सेट टू है, सेट टू में 25 क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो सेट वन का है। तो सेट वाइज आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। अभी जो मैंने अपलोड कर लिया है वो मुझे यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है कि वो पेपर मुझे वेरीफाई करने के लिए टीचर व्यू पेपर में जाना है। तो जैसे कि हमने देखा कि सेट वन में मैंने एक क्वेश्चन ही अपलोड किया है, तो यहाँ पे मैं व्यू पेपर करूँगा। तो मेरे व्यू पेपर में यहाँ पे एक ही क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन भी मिलेगा कि प्लीज़ अपलोड 25 क्वेश्चंस टू कन्फर्म दिस पेपर। तो ये कन्फर्मेशन करना क्या है वो हम लास्ट में देखेंगे। अभी जो एक मेथड बाकी है जो कि इमेजिनरी क्वेश्चन कैसे बनाने हैं और कैसे अपलोड करने हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए कि कहीं पे हमारा क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे डायग्राम है, जहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है, जहाँ पे कुछ इमेज है, तो उसके लिए हमें इमेज क्रिएट करना ज़रूरी रहता है। तो उसके लिए मान लीजिए कि आपके पास वर्ड फाइल है, तो हम पहले एक एग्जांपल से ही बात करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड फाइल है। तो इस वर्ड फाइल को यूज़ करके इसको इमेज में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है और ऑप्शंस है। तो ये क्वेश्चन और ऑप्शंस को मुझे इमेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एक स्निपिंग टूल या तो इमेज कटर का यूज़ करूँगा। तो स्निपिंग टूल के द्वारा यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके फिर मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ से कट कर लूँगा। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है और ऑप्शंस है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे और इसे मुझे सेव करना है। तो ऐसे ही मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे इमेज में कन्वर्ट करूँगा और उसको एक जगह पे सेव कर लूँगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हर एक क्वेश्चन को इमेज में कन्वर्ट किया है और उसको यहाँ पे सेव कर लिया है। और हर एक इमेज को मैंने नंबर्स में नेम दे दिए हैं, जैसे कि ये वन नंबर है, टू नंबर है, थ्री नंबर है। अभी क्वेश्चंस तो मैंने यहाँ पे बना लिए इमेज में, अभी मुझे आंसर भी अपलोड करने होंगे। तो आंसर के लिए भी हमारे पास एक एक्सेल फाइल है जो कि हम यहाँ पे इस फॉर्मेट के थ्रू आंसर भी अपलोड करेंगे। जो भी हमने इमेज क्वेश्चंस बनाए हैं उसके आंसर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और वो भी साथ में अपलोड करूँगा। तो उसके फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन में इस तरह से नेम देना है, जैसे कि हमारी इमेज है तो इमेज का नाम वन है और इसका जो फॉर्मेट है वो JPG फाइल है, तो इसका नाम रहेगा 1.jpg। सेम यहाँ पे सेकेंड नंबर की जो इमेज है उसका भी फॉर्मेट है JPG, तो उसका भी नाम रहेगा 2.jpg। ऐसे ही बारी बारी हर एक क्वेश्चन का नाम हमें उस हिसाब से रखना है जो कि इमेज का नाम है और साथ में उसका जो फॉर्मेट है वो भी इंक्लूड करना है। अभी आंसर कॉलम में हमें वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो टाइप करके रखना है, जैसे कि वन फर्स्ट नंबर की जो इमेज है उसका आंसर है ए, सेकेंड नंबर की है उसका आंसर है बी। तो उस हिसाब से सभी क्वेश्चन का आंसर मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा। तो इस तरह से हम ये फाइल भी सेव करेंगे। अभी हमें चला है पोर्टल में। तो पोर्टल में जो भी सेट में हमें ये इमेजिनरी क्वेश्चंस अपलोड करने हैं, पहले मुझे एग्ज़ाम ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे सेट नंबर सिलेक्ट करना होगा,
उसके बाद जो बाकी की डिटेल है वो एज इट इज रहेगी, उसको कुछ छेड़ना नहीं है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा इफ इमेज अपलोड फ्रॉम हियर, जिसमें अगर सिंगल इमेज है आप सिंगल इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको जेपीजी फाइल अपलोड करनी रहेगी। और अगर एक साथ 25 इमेज है तो उसको आपको जिप में अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिप फाइल कैसे बनानी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये 25 इमेजेस है, तो मुझे पहले सभी इमेजेस को सिलेक्ट करना है। एक बार सभी इमेजेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में सेंड टू में जाके यहाँ पे कंप्रेस जिप फोल्डर का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरी जिप फाइल बन जाएगी। उसको मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस की भी फाइल है और आंसर की भी फाइल है। दोनों फाइल प्रिपेयर होने के बाद अभी हम इस फाइल को चढ़ाएंगे हमारे पोर्टल में। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, यहाँ पे हमें जिप फाइल अपलोड करना है और जो आंसर फाइल है उसमें हमें आंसर फाइल अपलोड करना है। आंसर फाइल अपलोड होने के बाद तो जैसे ही हम सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपलोड हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, योर क्वेश्चन सेव्ड इन सेट नंबर 3 एंड टोटल क्वेश्चन यू हैव अपलोडेड 25। तो ऐसे ही हम मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो टाइप करके एंटर करने हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्सेल के थ्रू एंटर करने हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको जेपीजी फाइल में एंटर करने हैं। तो ये तीनों टाइप से आप किसी एक सेट में अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली टाइप करके या इंडिविजुअली एक्सेल के थ्रू या इमेज के थ्रू एंटर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अभी एक बार सेट वाइज क्वेश्चंस अपलोड होने के बाद आपको जाना है टीचर व्यू पेपर में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सेट वन में कितने क्वेश्चंस एंटर किए हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चंस के प्रीव्यू करने हैं, और जितने भी जब तक आप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक आपको यहाँ पे कंफर्मेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 25 क्वेश्चंस आपको एंटर करने हैं। यहाँ पे एक बार आपने 25 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रीव्यू करने हैं। प्रीव्यू करने के बाद आपको बॉटम में ये कंफर्म पेपर का ऑप्शन मिलेगा। तो एक बार प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे पेपर कंफर्म करने हैं। जैसे ही हम कंफर्म कर देंगे, ये पेपर कंफर्म हो गया है, तो यहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड में भी दिखेगा कि टोटल सेट कंफर्म्ड इज वन। जैसे कि अभी मैंने एक पेपर कंफर्म किया तो यहाँ पे मेरा वो सेट कंफर्म हो गया। अभी चार जो मेरे सेट है वो प्रोसेस में है जो कि कंफर्म करने बाकी है। तो वहाँ पे मैं देखूँगा कि कितने क्वेश्चन मेरे अपलोड करने बाकी है, तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन अपलोड करूँगा, उसको प्रिव्यू करूँगा और उसके बाद कंफर्म कर दूँगा। तो यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन एंटर करने की प्रोसेस है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस एंटर करने हैं और उसको सेव करने हैं, उसको अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको प्रीव्यू करने हैं और उसको कंफर्म करने हैं। सो थैंक यू सो मच।